अपनी खुशी को कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कितनी खुशी है मुझे। मुझे मेरा बच्चा मिल गया वापस अंकल, मुझे बहुत खुशी हो रही है। माता रानी की दया आ रही है हमारे घर में। करो लाल करो 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 अंकल, आप लोगों की मदद से हमें हमारा बच्चा मिल गया वापस। वरना हमारा बच्चा मेरे हाथ से जा चुका था, मेरे हाथ से नहीं निकल सकता मेरा बच्चा। अगर कोई गड़बड़ आदमी आपको मिलता है तो वो फौरन फोन करना है, मेरा फोन आना है आपके पास, फोन करना है, बुला देनी है थाने में, और पैसे भी ना लेने कोई और भी गड़बड़ हो तो सर ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो। चलो ठीक है, अच्छा बहुत मिलती, बहुत मदद की है। सांबा डिस्ट्रिक्ट आले पुलिस आले जिन्ने भी साडे एसएसपी डीएसपी साहब ते एसएचओ सुधीर ते इन्हें साडी मदद कीती ते बच्चा अज कल मिली है इत्थे। माता जी की मेहर की, माता जी की मेहर की, बच्चा मिल गया आज तो जैसा कि हमने आपको कल एक खबर दिखाई थी कि 2 साल का मासूम बच्चा जो कि गायब हो गया था, और वो बच्चा गायब हुआ था जो चिची माता मंदिर है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर, और उसी चिची माता मंदिर के पास लगभग 100 मीटर आगे कुछ लोग जो खिलौने बेचने का काम करते हैं, जो बास टब बेचने का काम करते हैं, उन्हीं का बच्चा कल दोपहर को यहाँ से गायब हो जाता है, चुरा लिया जाता है, और बच्चे का कोई भी सुराग पता नहीं चल पा रहा था, और बच्चे का परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था कि आखिर बच्चा गया तो गया कहाँ। बच्चा जो कि अपने नाना नानी के साथ रहता है, मासी के साथ रहता है, और बच्चे के माँ बाप जो थे वो पंजाब में रहते थे, लेकिन आपको बता दें कि बच्चा जो कि कल दोपहर को मासी के साथ ही लेटा हुआ था चारपाई पर, अचानक बच्चा गायब हो जाता है। बच्चे की नानी खाना लेने के लिए जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है 2 मिनट के बाद तो बच्चा वहाँ नहीं था, और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया, परेशान हो गया था पूरा परिवार कि आखिर बच्चा गया तो गया कहाँ। 2 साल का मासूम, मैं आपको नाम नहीं बता सकता बच्चे का, लेकिन उसके बाद इस परिवार ने सांबा पुलिस में स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, और उसके बाद पुलिस यहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची, और पुलिस ने उसके बाद इन्वेस्टिगेशन बड़े स्तर पर शुरू कर दी, और बच्चे का एक फ़ोटो अलग अलग पुलिस स्टेशन पर भेज दिया गया, बच्चे की डिटेल भेज दी गई कि ये बच्चा है, कि अगर मिलेगा तो वो सांबा पुलिस के साथ संपर्क करे। और लगातार अगर बात करें तो कई अलग अलग पुलिस स्टेशन के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने अपने पुलिस के जवानों को ये इतला दे दी कि आप लोग बच्चे के ढूंढने का प्रयास करें, और फाइनली आज चिची माता जी की मेहरबानी से, माता रानी के आशीर्वाद से बच्चा आज अपने परिवार के बीच में आ चुका है। मैं आपको इसका बच्चे का फेस नहीं दिखाऊंगा, ये सीक्रेट होता है, लेकिन आज बच्चे का परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश है, और आज बच्चा मिल गया है जम्मू से। जम्मू पुलिस की बात करें तो लगातार वो सांबा पुलिस के संपर्क में थी आज सुबह से ही, और यहाँ इस परिवार को एक जानकारी मिली कि एक बच्चा जम्मू में मिला है। आप बच्चे को पहचान कर देख सकते हैं कि वो बच्चा आपका है या किसी और का। तो इस परिवार को जब पता चला, ये परिवार जम्मू जाता है सांबा पुलिस के साथ, बताया जाता है कि बठिंडी पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जाकर ये बच्चा ट्रेस किया जाता है, और बच्चे का आप देख सकते हैं कि अब बच्चा परिवार को मिल चुका है। लेकिन बच्चा जो चुराया गया वो किस तरह से चुराया वो भी मैं आपको बता दूँ। 2 महिला किडनैपर जो कि इसी हाईवे से गुजर रही थी, और उन्होंने देखा होगा कि यही इसी टेंट के नीचे जो चारपाई लगी थी
वो बच्चा चारपाई पर था, अपनी मासी के साथ था, मासी नींद में थी, लेकिन ये बच्चा जो खेल रहा था इसे अचानक वो चुरा कर रफू चक्कर हो गई। लेकिन आज वो दोनों महिला किडनैपर्स ट्रेस हो चुकी हैं। और महिलाओं का जिक्र करूँ तो बताया जा रहा है पुलिस के अनुसार कि एक महिला कठुआ के कालीबड़े इलाके की है और एक महिला जम्मू के अरनिया इलाके की है। और ये दोनों महिलाओं की अगर बात करें तो अब पुलिस की गिरफ्त में है। लगातार इनसे पूछा जा रहा है कि आपने जो बच्चा चुराया क्या इसके पीछे आपकी मंशा थी, कोई गिरोह जो है उसके साथ काम करती है, बच्चा चोर गिरोह हो सकता है कोई इस तरह से। लेकिन अभी क्या कुछ और चीज़ें निकल कर सामने आएंगी ये तो बाद में पता चलेगा। बहरहाल वो दोनों महिलाएँ अब पुलिस कस्टडी में हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो परिवार, जो कल हमने आपको बताया कि काफ़ी परेशान था, लेकिन आज बच्चा रिकवर हो चुका है। मैं बच्चे को बता नहीं सकता लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बच्चा है। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि बच्चे के बाल हमने देखा था कि लंबे थे, जो तस्वीर हमने आपको बताई, लेकिन बच्चे के बाल काट दिए गए हैं ताकि बच्चा पहचान में ना आए। इस तरह के जो ये कह सकते हैं कि इतनी चलाकी वो कर रही थी महिलाएं कि बच्चा ट्रेस ना हो, इस तरह से उनका जो प्रयास था, लेकिन वो प्रयास आज पूरी तरह से फेल हो चुका है और अब बच्चा अपने नाना नानी के पास, दादा दादी के पास, माँ बाप के पास आ चुका है। तो आपसे जानूंगा क्या कहना चाहते हैं, बच्चा आपके घर आ गया वापस? बच्चा मिल गया, हम बहुत खुश है। ये चीची माता का बहुत बहुत मेहरबानी है। वीडियो वाले ने भी बहुत मदद किया हमारी, बहुत बहुत ज्यादा मदद किया, बिल्कुल पीठ नहीं दिखाया, दौड़ फटाफट आए हमारे को। तो कैसे पता चला कि आज आपका बच्चा आपको आपका मिल गया, किस तरह से पुलिस ने आपको बताया? पुलिस वाला सुबह पुलिस वाला आया, डीएफसी आया बड़ा, उन्हें बताया भाई उधर एक बच्चा है, आप जाके देखो उसको। उधर जाके देखा तो हमारा बच्चा था, हमने पहचान लिया, उसके बाल काट दिए, तो उसको हमने देखा, हमारा बच्चा तो हमारे को छाती को लगा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत आपको मेहरबानी सबको। जो किडनैपर दो महिलाओं को बताया जा रहा है कि एक कठुआ की है एक जम्मू की, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? एक कठुआ की है, एक उधर जम्मू की, एक पता नहीं कहाँ की है। उनको सजा से सजा मिलनी चाहिए, कोई दूसरा बच्चा ऐसा चोरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत हालत खराब हो जाती है माँ बाप की, नाने नाना की, दादी दादा की, ऐसे बहुत बहुत बुरी हाल हो जाता है। किसी का भी बच्चा नहीं गुम होना चाहिए ऐसे। उनको जितने भी बच्चे चोर है ना, उनको सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल के उनको पूरी सजा दो। सब माता रानी ने पूरा साथ दिया, साथ दिया माता रानी ने, वैष्णो माता ने, हमारा भैरू बाबा ने, हमारा पितर ने बहुत बहुत साथ दिया, तुमने भी बहुत साथ। ध्यान रखना बच्चे का, हम ध्यान रखेंगे साहब। आप क्या कहना चाहते हो, कल काफी परेशान थे आप जब बच्चा यहाँ से गायब हो गया, कितना कितनी तकलीफ में थे आप, आज थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं आप? आज बहुत खुश है, आपका बहुत धन्यवाद है, ये माता रानी का आशीर्वाद है, ये सांबे वाला जिस्टी वाले का बहुत धन्यवाद है, पुलिस वाले का, ने दिन रात करके एक करके बच्चा हमारा वापस दिलवा दिया, अब बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है आपका, आपका भी। ये बड़ा मुश्किल होता है जब बच्चा गुम हो जाता है, परिवार आपके ऊपर क्या बीत रही थी हम देख रहे थे कल, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से और पुलिस ने काफी अच्छा काम किया, आपका बच्चा आपको दे दिया वापस। हमारे को तो 2 दिन हो गया खाना नहीं खाया, सही बात बता रहे, 2 दिन हो गया खाना नहीं खाया, दिन रात करके हम यही बस ऐसे हो रहा, बहुत परेशान हो गए बाल बच्चे, सभी परेशान हो गए, ऐसा हो गया ना मरे ना जिए, आत मरे से हो गया हम बस, अब क्या कह सकते हैं ऐसे। मैं आपको बच्चे की तस्वीर तो दिखाऊंगा लेकिन मैं बच्चे का चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मैं इनको बोलूंगा कि बच्चे को इधर लेकर आए, बच्चे का चेहरा ढक दो आप, आपसे आप इधर आए, आप इधर आए, इधर आए, आप आगे आए, आप आगे आए, कल आपसे जब बात हो रही थी बच्चा आपके साथ ही था, तब चोरी हुआ था, आज बच्चा मिल गया माता रानी की दया से, आशीर्वाद से, कितनी खुशी आपको हो रही है कि बच्चा अब आपकी गोद में है? मैं अपनी खुशी को कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकती, कितनी खुशी है मुझे, मुझे मेरा बच्चा मिल गया वापस अंकल, मुझे बहुत खुशी हो रही है, माता रानी की दया आ रही है हमारे घर, करो लाल करो 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 अंकल, आप लोगों की मदद से हमें हमारा बच्चा मिल गया वापस, वरना हमारा बच्चा मेरे हाथ से जा चुका था, मेरे हाथ से नहीं निकल सकता मेरा बच्चा, माता रानी के दया से मेरा बच्चा। एक काम करना, ध्यान रखना बच्चे को, अकेले मत छोड़ना, कभी नहीं छोड़ूंगी, ये तो हमारे को माता रानी सीख दी है, ये तो माता रानी हमें सीख दे दी कि बच्चे कभी अकेला नहीं छोड़ना। बच्चे के पिता भी हैं, खैर पिता और माँ जो थे वो पंजाब में थे, बच्चा नाना नानी के पास रहता था,
जब आपको पता चला जब आप पंजाब में थे तो कितना परेशान हो गए थे, कितनी कितनी तकलीफ में थे? बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे हम, तुरंत गाड़ी कराई हमने, तुरंत पहुंचे, 2-3 घंटे में हम इधर पहुंच गए थे। बाकी देखा आसपास में कोई भी नहीं था, मगर बच्चा उठ के चल गया था। बाकी पुलिस वाला आए, मेरा सौरा था उसने कंप्लेंट कराई पुलिस में, बाकी फोटो भी लेके गए। बाकी सुबह आए वो वीडियो वाले भी आए थे, फिर सुबह आए कुत्ते लेके आए थे पुलिस वाले, बाकी 20-25 पुलिस वाले इधर भी थे, इधर भी सारा एरिया सांड, उन्हें पूरा सारा एरिया देखा, कुछ भी नहीं मिला, कोई मुद्दा भी नहीं था, फिर भी पुलिस वाले के घर में खुशियां लौट आई है। एक बार बहुत ज्यादा कुछ हिसाब नहीं है, इतनी खुशियां हमारे पास आ चुकी है। अब आप माता रानी के दरबार जाकर मत्था भी टेकना? बिल्कुल जरूर टेकेंगे, वैष्णो देवी भी टेकेंगे हम मत्था, भाभी बाबा भी टेकेंगे मत्था, ध्यान भी रखना बच्चों का, बिल्कुल रखेंगे। मदद करी है हमारे, आस नहीं थी, समुन्द्र में चला गया था लेकिन मिल गया बच्चा हमारे को, बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज परिवार में खुशियां लौट आई हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चा अपने परिवार के साथ है, माँ बाप के साथ है, नाना नानी दादा दादी मासी के साथ है, और कल ये सारा परिवार जो वो टूट चुका था जब बच्चा यहाँ से चोरी हो गया, और तरह तरह की बातें थी, कोई जानवर ले गया है, कोई और चुरा गया है, और लगातार इस पूरे इलाके में अगर देखें तो बसंतर का इलाका है पीछे, यहाँ पर सर्च भी किया गया पुलिस द्वारा लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। और जब सोशल मीडिया पर हमने ये खबर वायरल की और जिस तरह से पुलिस हरकत में आई, सांबा पुलिस ने लगातार आगे जो वो मैसेजेस पास कर दिए, और जब जम्मू पुलिस इसके ऊपर काम कर रही थी तो लोकेशन ट्रेस होती है और वो पता चलता है कि जो महिलाएं थी जिन्होंने बच्चा चुराया था, नरवाल इलाका जो कि जम्मू का बिलाल नगर मलिक मार्केट का जिक्र किया जा रहा है कि वहाँ एक किराए के मकान में रहती थी और वहीं पर बच्चे को रखा हुआ था। इसके पीछे क्या उनका मोटिव था इसको लेकर लगातार अब सांबा पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और सांबा पुलिस की कस्टडी में है वो दोनों महिला अपहरणकर्ता, वो दोनों महिला किडनैपर्स। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, सोशल मीडिया पर दिखाई गई खबर का कितना असर हुआ ये हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप सबने उस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, और आज बच्चा अपने माँ बाप के साथ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवार में खुशियाँ आ गई हैं। यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चिची माता जी का आशीर्वाद भी इनके साथ था। माता रानी का मंदिर यहाँ से लगभग 100 मीटर दूरी पर है और यहीं से बच्चा चुराया गया था, लेकिन आज बच्चा मिल चुका है, अपने परिवार के साथ है, बच्चे को किस तरह से लाड प्यार दिया जा रहा है। लेकिन एक उम्मीद की किरण जो टूट चुकी थी वो उम्मीद एक बार फिर से जागी जब सुबह इनको फोन आया पुलिस का कि बच्चा एक मिला है, आप देखिए आइए कि बच्चा वो आपका है या किसी और का है। जब परिवार वहां पहुंचा तो वो बच्चा इन्हीं का निकला, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बच्चे के बाल काट दिए। अब मैं दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं बच्चे के बाल तक काट दिए गए थे। तो ये एक बड़ा नेक्सस हो सकता है, और हम ये अपील करेंगे सांबा पुलिस से कि इतना अच्छा आपने काम किया है तो अब उन महिला अपहरणकर्ताओं को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि वो किसी बच्चे को आगे ना चुराए, किसी माँ की झोली को वो खाली ना करें, किसी माँ की गोद को वो खाली ना करें, ये उनको अब सबक सिखाना होगा पुलिस द्वारा। तो ये हम चिची माता जी के आगे माथा टेकते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद बना रहा, और आज माता रानी के दया से बच्चा परिवार के बीच है और बच्चे का परिवार आज काफी ज्यादा खुश है। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।